अरे सलमान भाई अभी तक काम कर रहे हैं आप? आइए खाना खा लीजिए। क्या लें? लंच टाइम हो गया, ये पहले लंच कर लीजिए आप। नहीं नहीं मेरे ये थोड़े से कुछ ऑर्डर से मैं इनको फाइनल कर दूं। आप लंच कीजिए। अरे आप काम बाद में होता रहेगा, पहले लंच कर लीजिए ना। आप कीजिए आराम से, काम बाद में हो जाएगा भाई, आइए पहले लंच कर लीजिए। क्या बात है, आज आप लंच नहीं लाए क्या? नहीं आज मैं लंच लेके नहीं आया। क्या लाए हैं आप सब्जी में? ये सब्जी है मटर। अच्छा आप आराम से लंच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम निपटा ले रहा हूँ। नहीं नहीं लंच कर लीजिए, क्या लंच नहीं लाए आज आप? असल में राहुल भाई रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और मेरा रोज़ा है, तो इसलिए मैं लंच नहीं कर सकता। अभी हमें 5 घंटे के बाद में लंच करना है, मगरिब की अज़ान होगी तब हम जाके खाना वाना खाएंगे। माफ़ी चाहूँगा मैं, मुझे पता नहीं था कि रमज़ान चल रहा है। अरे नहीं नहीं आप इसको बंद मत नहीं नहीं कोई बात नहीं है भाई, आप इसको बंद मत कीजिए, मैं यहाँ पे बैठ के अपना काम निपटा रहा हूँ, आप आराम से लंच कर ले। कोई बात नहीं है भाई, आप लोग 30 दिन तक भूखे रहते हैं, मैं क्या 30 मिनट इसका वेट नहीं कर सकता हूँ? मैं 30 मिनट के बाद आराम से लंच कर लूँगा। ये आपका बड़प्पन है राहुल भाई, कोई बात नहीं, मेरी आदत है, ऑफिस है, काम ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलके काम कर रहे हैं, तो आप लोग अगर मेरे सामने खाना खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप आराम से खाना खाइए, शाम को मैं घर जाके अपनी फैमिली के साथ में खाना खा लूँगा, आप खाइए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सलमान भाई, बात ऐसी है ना कि मैं नॉन मुस्लिम ज़रूर हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं आपके रमज़ान का बहुत एहतराम करता हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं लंच नहीं कर पाऊँगा, मैं बाद में कर लूँगा, कुछ देर वेट कर लेता हूँ, आप अपना काम पहले मुकम्मल कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मेरे हिसाब से राहुल भाई आप अगर खाना खा लेते तो बहुत बेहतर हो जाता। नहीं भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप अपना काम कंप्लीट कर लें, मैं बाद में आराम से खा लूँगा आपके साथ। सलमान सर आपको एमडी सर बुला रहे हैं, अभी चलना है, बिल्कुल अर्जेंटली चलिए, अभी ज़रूरी काम है। जाइए देख लीजिए आप, देख लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है राहुल भाई, एमडी सर ने शायद किसी अर्जेंट काम से मुझे बुलाया है, टाइम भी लग जाएगा मीटिंग होगी, आप आराम से तब तक लंच कर लीजिए, मैं आपसे आके मुलाकात करता हूँ। ठीक 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 आप लंच कीजिए प्लीज़। सर एक मिनट बात सुनो। हाँ शोएब भाई, आपने अभी मुझे मैसेज करके बुलाया और बोला कि इस तरीके से बोलना कि एमडी सर अर्जेंटली बुला रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाया। यार तुम नहीं समझोगे, असल में वो बंदा राहुल नॉन मुस्लिम हिंदू है वो, जी जी, खाना ही नहीं खा रहा था और अपना मज़हब ये गवाही नहीं देता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम दूसरों को खाना खिलाएं। हाँ हम दूसरों को अपनी वजह से भूखा प्यासा नहीं देख सकते, हम दूसरों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और कोई मेरी वजह से भूखा बैठा रहे बेफालतू में, और वो हमारे मज़हब की कितनी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए मेरे ईमान ने गवारा ही नहीं दिया कि मैं उसको भूखा बिठा लूँ यहाँ पे इस तरीके का, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूँ, इसी बहाने से मैं निकल के आ जाऊँगा, अब कम से कम पेट भर के वो बंदा खाना तो खा लेगा। नहीं नहीं ये बात थी बस, हमारा मज़हब कभी भी ये नहीं कहता है कि तुम्हारी वजह से कोई भूखा मरे, अपने हिस्से का खाना भी अगर कभी तुम्हारे हिस्से में आता है तो पहले उसे दो बाद में खुद खाओ, समझे? जी बिल्कुल। तो वो खुद का खाना लेके मेरी वजह से भूखा बैठे वो मैं नहीं देख सकता, और रमज़ान का बंदा एहतराम कर रहा है, जिस बंदे को रमज़ान की रहमतों और बरकतों के बारे में मालूम हो, नॉन मुस्लिम होने के बावजूद भी मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ, उसको भूखा कैसे रख सकता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर इस तरीके से, तो मतलब आप हमारे सर हैं, हमें और भी अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठ के हमें 10-15 मिनट हमारी गप्पे शप्पे करवा दो, उसके बाद हम फिर से चले जाएं अपना काम निपटा ले जाके। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज तुम्हारे ही साथ बैठ के बात होती है भाई। टाइम हो गया बहुत, राहुल भाई ने खाना खा लिया होगा, मैं जाके मुलाकात कर लूँ, मेरा काम आधे घंटे डिले हो गया, मैं उसको अब एक्स्ट्रा टाइम में करूँगा। चलो ठीक है फिर, उनसे मिलता हूँ। बहुत अच्छा लगा, अरे आपकी ऐसी सोच है, ठीक है सर। अरे सलमान भाई आ गए आप?
राहुल, क्या बोला एमडी सर? कुछ नहीं, और बताएं कैसे हैं? अच्छा, हो गया? हाँ, लंच हो गया, अब मैं चलता हूँ अपने केबिन में, टाइम हो गया। लंच कर लिया ना? ठीक ठीक हो गया। कुछ नहीं, वो पर्सनल मैटर था, आप आराम से जाइए। चलिए ठीक है, ठीक है।